दबंगई से जमीन कब्जा करने का लगाया आरोप। थाने में नहीं सुनी जा रही है कोई फरियाद, दर दर भटकने को मजबूर पीड़ित पक्ष। अयोध्या कुछ दबंग लोग पूर्वजों की जमीन दबंगई करके कब्जा करने का पीड़ित पक्षों पर लगाया आरोप। आगे की जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट पर। क्या मामला है, आप लोग कहां से आए? सर हम लोग थाना महराजगंज ग्राम दीनापुर से आए हुए, मौजा केशवपुर। हम लोग के पैतृक जमीन है, आबादी जमीन है, जिस पर हम लोग करीब 200 वर्षों से अपने पूर्वजों के समय से काबिज दाखिल हैं। घर कच्चा मकान सरिया छप्पर भू गड्ढा ये सब लगाते हुए बसे हुए, उस पर हमारे ही गांव के जो है दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, वो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। वह हमसे बेगारी मजदूरी करने के एवज में जो है परेशान करते रहते हैं, यहाँ तक कि चुनावी रंजिश के कारण भी उस पर दबाव बनाते हुए उसको अवैध रूप से कब्जा करना चाह रहे हैं। दिनांक 19/5/20 को वह जेसीबी मशीन द्वारा हमारे छान छप्पर घूर गड्ढे सबको ध्वस्त करके पेड़ पालों को नष्ट कर दिए, जिसमें वह फर्जी मुकदमा लिखा करके हमारे ही परिवार के सभी गांव वालों को मिला करके करीब 15-16 लोगों को जेल भिजवाने का काम कर दिए। हम लोग बार बार हर जगह चक्कर लगा रहे हैं, अभी तक हमारी कोई मदद नहीं हुई। आज के समय में भी वो हमको आए दिन परेशान। आप कहाँ कहाँ गए? हम सबसे पहले तो थाने पर प्रार्थना पत्र दिए, उसके बाद तहसील पर दिए, उसके बाद डीएम साहब के दिए, उसके बाद आईजी साहब के यहाँ दिए, यहाँ तक कि हम लोग SC/ST कमीशन और राजस्व परिषद तक भी गए हैं, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। आप क्या चाहते हैं? खुलेआम घूम रहे हैं और आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार से यही हमारी मांग है कि उसको उनके ऊपर जो मुकदमा लिखा गया है उसके बारे में भी विवेचना हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्दी न्याय दिलाने की कृपा की जाए, क्योंकि वो ऐसे ही घूमते रहेंगे तो हम लोग को आए दिन परेशान करते रहेंगे और हमारी जमीन जो है वो काबिज कब्जा कर लेंगे, जिससे हम बेघर हो जाएंगे।